तो आज हम जो देखने वाले हैं, जो हमारा कंटिन्यू पेपर चालू है सॉल्व करना, उस कंटिन्यू जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स 1 मार्च 2022 का। इसमें हम आज देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन क्या है देखो, मैं आज रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31 ईयर। मतलब सविता और मनीष का एज का सम 31 ईयर। मराठीत सांगायचं झाल्यास मनीष आणि सविता यांच्या दोघांची जर वयांची जर ऍडिशन केली तर 31 वर्ष येते। मनीष एज 3 इयर्स ॲगो, 3 वर्ष अगोदर मनीषची एज, 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। ठीक आहे ना, अगर पहिले 3 इयर्स ॲगो, देखो क्वेश्चन मे क्या बोला है, 3 इयर्स ॲगो, अगर इसका एज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता ॲट दॅट टाइम फाइंड देअर प्रेझेंट एज। तो उनका आज का प्रेजेंट का वर्तमान का एज आपको फाइंड करना है। देखो तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको फर्स्ट लिखना है गिवन डाटा, क्या दिया है, मेरा छुड़ाने का तरीका क्या है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में मैं हमेशा डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बनाने से आपका आधा काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिनिश। देखो कैसे, दो लोग दिए हैं, एक है मनीष, देखो डायग्राम बनाओ अच्छे से। दो लोग दिया है मनीष, इसका नाम लिख लेता हूँ, ये मनीष है और दूसरा है आपका सविता। दूसरी कौन है आपकी, सविता। ठीक है, ये है आपकी सविता। तो इन दोनों का मैं सम करता हूँ, ये सविता, इन दोनों की एज का अगर मैं सम करता हूँ तो कितना आता है 31 इयर्स। और मनीष एज 3 इयर्स एगो, मतलब मनीष को कितने साल पीछे लेके जाओ, 3 इयर्स एगो मतलब पीछे जाना है, कितने साल, 3 साल, तो -3 साल जाएगा। अगर ये 3 साल पीछे जाएगा तो सविता भी 3 साल पीछे जाएगी, मतलब -3 इधर भी करना पड़ेगा। 3 इयर्स एगो, मनीष एज 3 इयर्स एगो वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। तो इसका कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी कि इनटू आ जाएगा। मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन, इसका सम आने वाला है 31 इयर्स, और इसका जो भी एज पीछे गया है 3 साल का, 3 साल जब इसका एज पीछे जाएगा उसका एज 4 टाइम्स है सविता का। ये सेकंड कंडीशन, मतलब ये बन गया आपका फर्स्ट कंडीशन और ये बन गया आपका सेकंड कंडीशन। तो इस तरीके से डायग्राम बनाते वक्त आपको ध्यान देना है, और इस तरीके से आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मनीष की एज सपोज मैं ले लेता हूँ एक्स, और सविता की एज ले लेता हूँ मैं वाई, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 31 इयर्स। 3 इयर्स बैक, मतलब 3 इयर्स बैक एगो अगर ज़्यादा है तो x माइनस 3 हो गया, इसका भी एज क्या हो जाएगा y माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन 3 इयर्स बैक गया है, पीछे गया है, तो इसका एज जो है, किसका एज, मनीष का एज 3 इयर्स एगो वाज बोले तो इक्वल्स टू 4 टाइम्स द एज ऑफ द सविता एट दैट टाइम। तो उस टाइम का एज था y माइनस 3, तो ये कंडीशन सेकंड है और ये कंडीशन फर्स्ट है। तो बस ये आ गया ना आपको लिखना, तो आपका काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम डायग्राम से इजीली कर सकते हैं ये एगो। ठीक है ना, अगर बाद में बोलते हैं तो प्लस करना पड़ेगा, ये भी ध्यान में देखो, कंसेप्ट कभी कभी आता है कि 3 इयर्स बिफोर हेंस, ठीक है ना, आफ्टर, अभी ध्यान दो। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट मनीष एज एक्स ईयर, कितना ईयर्स, एक्स ईयर, और दूसरा है आपके पास सविता, सविता का एज वाई ईयर्स। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, टू फाइंड लिख लेता हूँ मैं। टू फाइंड क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज दोनों का आपको क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज। सॉल्यूशन चालू करता हूँ, सॉल्यूशन चालू कर दिया तो फर्स्ट कंडीशन जो कंडीशन दिया है वो, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि दोनों के एज का सम, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 31 इयर्स, इक्वेशन नंबर 1। और फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि जो 3 इयर्स एगो वाली एज है मनीष की, वो है 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम वाई माइनस 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 इंटू वाई, 4y माइनस है तो माइनस 4 इंटू 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 4 इंटू 3 बोले तो 12। इक्वेशन बना लेता हूँ ताकि मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाए और सॉल्व हो जाए। y को इधर लेके आता हूँ, x ये प्लस है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करेगा, इस साइड आएगा तो प्लस, तो हो गया माइनस,
ये माइनस है इस साइड जाएगा, तो ये माइनस टेल एज इट इज, और ये जो माइनस है इस साइड जाने के बाद हो जाएगा आपका प्लस। तो x माइनस फोर वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री यानी कि माइनस नाइन। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका, टू। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस प्रेजेंट एज लिया है हमने, मनीष प्रेजेंट एज जो मैंने कंसिडर किया था, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट लिखना था, मनीष प्रेजेंट एज इज x years एंड सविता प्रेजेंट एज इज y years, ठीक है। देयरफॉर दोनों इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 था, और दूसरा इक्वेशन आ गया x माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन। अब ये था इक्वेशन वन और ये था इक्वेशन टू, दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो x x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, आपका जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये देखो प्लस वाई और ये फोर वाई, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो वन रहता, तो वन वाई प्लस फोर वाई तो ये हो गया आपका फाइव वाई, ये 31 प्लस 9 तो ये हो गया आपके 40। मतलब आपको क्या मिला, 5y इज इक्वल टू 40, हमको निकालना है y, तो y इज इक्वल टू ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन जा 5, 5 एट जा 40, तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8, y का वैल्यू निकल गया 8, y निकल गया मतलब किसका एज निकल गया, सविता का निकल गया। अभी किसका फाइंड करना है हमको, मनीष का फाइंड करना है। तो देयरफॉर ये जो y का वैल्यू निकला है, हम जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो 10वीं का चैप्टर है, तो ये होगा y का वैल्यू कौन से भी इक्वेशन में पुट करो, लेकिन ऐसे इक्वेशन में पुट करो जो ताकि आपको ईजी जाए। तो मैं ये वाला इक्वेशन लेता हूँ, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में डाल दिए। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 8 इज इक्वल टू 31, एक्स इज इक्वल टू 31, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 31 माइनस 8, ठीक है ना। तो 31 माइनस 8 बोले तो कितना हो जाएगा आपका 23, तो एक्स का वैल्यू आपको मिल गया 23। मतलब अभी देखो हमको आंसर मिल गया, प्रेजेंट एज क्या है, देयरफॉर आंसर लिखना है आपको, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष किसे डिनोट किए थे हमने, x से, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर 23 इयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सविता दैट इज y इज इक्वल टू कितना है हमारा 8 इयर्स। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो बेस्ट तरीका क्या है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको डायग्राम बनाना है, कौन सा भी हो, चाहे मुर्गे बोलता हो मुर्गा बोलता हो उसका डायग्राम बना हो, घर बोलता है ईयर्स बोलता है कुछ भी बोलता है, तो उस टाइम आपको डायग्राम बना मतलब डायग्राम बनाओगे ना तो फायदा क्या हो जाएगा आपको, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट में क्या लिए हमने। तो सर प्रेजेंट में तो इसको एक्स किया कंसिडर, इसको वाई कंसिडर किया, दोनों को ऐड किया तो कितना है, देखो ना उसने बोला है कि प्रेजेंट एज का सम कितना है, तो 31 ईयर बोल दिया हमने, लिख लिया। फिर बोला है कि एगो मतलब पहले तीन साल पहले, तीन साल पहले ये भी पीछे जाएगा ये भी पीछे जाएगा, कोई भी हो इंसान हो जानवर हो कोई भी चीज हो, तीन साल पीछे जाएगा तो दोनों को भी एक साथ पीछे लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि मनीष पीछे जाएगा सही तो सविता भाई पे रुकेगी, दोनों को एक साथ पीछे लेना पड़ेगा, आपका भाई है और आप है, तीन साल पहले बोलोगे उसका एज तो आपके भाई को भी पीछे लेके जाना पड़ेगा और आपको भी पीछे लेके जाना पड़ेगा, तब आपको आंसर दोनों का एज का पता बराबर चलेगा। तो इसलिए मैंने इसको भी पीछे लेके गए तीन साल और इसको भी पीछे लेके गए, लेकिन कंडीशन क्या थी कि मनीष का एज 3 years ago, 4 times the age of सविता, तो ये मैंने लिख लिया। फिर दोनों का साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाया और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके लास्ट में आपका ये आंसर इस तरीके से बना लिया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3B का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है लिख लो।